दोस्तों दिल्ली के सरकारी स्कूल में नॉन प्लान एडमिशन को लेकर के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के काफ़ी सारे सवाल डाउट मुझ तक आ रहे हैं। जैसे कुछ ने पूछा है कि सर हम कितने फॉर्म भर सकते हैं, मतलब मान लीजिए आपके घर के आसपास में बहुत सारे स्कूल हैं तो आप कितने फॉर्म भर सकते हैं। भाई एक फॉर्म में एक ही स्कूल भर पाओगे, लेकिन अगर आपको चार पाँच स्कूल भरने हैं अगल बगल में तो क्या आप एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं, इससे क्या दिक्कत आएगी और आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। दूसरा है फॉर्म में अगर आपसे मिस्टेक हो गई है, मान लीजिए आपने स्कूल गलत भर दिया, डिटेल गलत भर दी, तो उसे ठीक कैसे करेंगे। कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर भरे फॉर्म की रिपोर्ट कैसे चेक करें। भाई आपने क्या क्या भरा है, मान लीजिए आपने जल्दबाजी में भर दिया, लेकिन अब उसे चेक भी कर सकते हैं आप कि उसमें क्या क्या भरा आपने, कुछ गलती तो नहीं हुई है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। आपका स्टेटस भी वहीं पर आएगा, मतलब आपको स्कूल मिला है या नहीं मिला, वो भी उसका भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आपने कोई पुराना फॉर्म भर दिया, मतलब आपने फॉर्म भरा लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं भाई वो फॉर्म सही नहीं है, पूरा ही गलत है, उसे आपको डिलीट करना है और नया फॉर्म भरना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ से करेंगे, सब कुछ आपको इसी वीडियो में क्लियर होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करके हमें सपोर्ट करेंगे, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के एडमिशन और ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और हाँ भाई, पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। अभी आप साइट पे, मैं जिस साइट पे हूँ वो एडमिशन का ही साइट है और यहाँ पर 2024-25 और 36 से लेकर के 9 क्लास तक। पहले मैं आपको जनरल चीज़ें बता देता हूँ, यहाँ से आप जो गाइडलाइन है एडमिशन की वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीधा यहाँ तक आ सकते हैं। आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ से आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया मैंने वीडियो बनाई है, आप गलती ना करें। देखिए गलती करने से बेटर है कि आप 10-12 मिनट की उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप फॉर्म भरने से पहले एक बार उस वीडियो को ध्यान से देख लें, वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। सारे नंबर आईडी डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये है रिप्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आपने क्या क्या भरा है फॉर्म में, आपने क्या क्या फॉर्म में भरा है वो सारा का सारा आपको यहाँ से दिख जाएगा। ये जो लिंक है ना रिप्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आप यहाँ से प्रिंट करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा क्या होगा यहाँ पर, और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं अपने फॉर्म को, ठीक है। डिलीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, चलिए मैं एक बार बारी बारी करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से तो आपको सीधा फॉर्म खुल जाएगा इस तरह से, ये तो आपने फॉर्म भर लिया होगा। अगर आप रिप्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जो है अपनी सारे डिटेल यहाँ से इसमें फिल करेंगे, तो आपको क्लास वगैरह आएगी, साथ में नाम वगैरह है ना, तो आप चाहें तो यहाँ से ये आधार नंबर आपको ऑप्शनल है, तो डेट ऑफ बर्थ, और इसे भी आप अपना सारा डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपने कोई चीज़ गलत तो नहीं भर ली। अगर आपने गलत भर दी तो उसे आपके पास ऑप्शन है सही करने का, क्योंकि एक बार अगर एडमिशन की डेट निकल जाती है, मतलब फॉर्म भरने की, तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, जब तक डेट है तब तक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो गलती बिल्कुल ना करें और फॉर्म आप पहले ही साइकिल में भर दें, क्योंकि बाद में क्या होता है आपको बड़ी दिक्कत आती है, पहले साइकिल में सारे स्कूल जो है वो भर जाते हैं और बाकी दूसरे तीसरे साइकिल में आपको मतलब स्कूल ना के बराबर मिलता है, मिलेगा तो बड़ी दूर मिलेगा, आपका मनपसंद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आप अपना स्कूल भर दें। एक और मैं आपको गाइड करूँ कि अपने बच्चे का कोशिश करें ऐसे स्कूल में भरें जो स्कूल 12वीं तक हो, ध्यान से सुने, 12वीं तक वाला स्कूल में भरें। ये भी चेक कर लें कि वह स्कूल 10वीं तक है कि 12वीं तक है। स्कूल की डिटेल कैसे चेक करेंगे, तो हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, उसे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई स्कूल में कहाँ तक स्कूल, मतलब स्कूल कहाँ तक है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, ये सारी चीज़ें देखें। क्योंकि क्या होता है, आप हड़बड़ाहट में फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन बाद में क्या होता है, जब बच्चा 10वीं के बाद आगे पढ़ता है तो किसी स्कूल में तो साइंस नहीं होता, कहीं कॉमर्स नहीं है, कहीं मैथ नहीं मिलेगा आपको, कहीं PCMPC भी नहीं है, कहीं आपको 10वीं तक है तो 11वीं में आपको दूर स्कूल में जाना पड़ेगा, तो ऐसे स्कूल में आपको प्रॉब्लम आती है जो बच्चे फेस करते हैं, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आप हमारे चैनल पर भरोसा करते हैं तो आपको सही जानकारी देना मेरा फ़र्ज बनता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप कभी भी मिसगाइड ना हो। अब आपको पुराना वाला फॉर्म मान लीजिए डिलीट करना है, तो यहाँ पर डिलीट वाले पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा देखेंगे किस तरह से ये आएगा। यहाँ पे कहाँ गया भाई, लिंक ओपन हो नहीं रहा और इस पर मैंने क्लिक कर दिया, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। हाँ अभी मैं तब तक से बंद कर देता हूँ। खुल गया भाई, यहाँ पे देखेंगे खुल गया है ये। और क्या करेंगे आप, यहाँ से दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शन आपको यहाँ से मिलते हैं, रिक्वेस्ट फॉर डिलीट और
डिलीट डाटा नॉन प्लान। अब एक बार मैं क्लिक करता हूँ डिलीट वाले पे, तो डिलीट वाले पे आपको यहाँ से क्या करना है भाई, दोनों ऑप्शन एक ही खुल रहे हैं। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पे क्लास डालेंगे और ये मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ सेम चीज़ें हैं। और यहाँ से आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है, जो पहले वाला फॉर्म है, वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ये बचता है कि क्या हम इसे एडिट कर सकते हैं। जो हमने पहले भरा है उसमें मान लीजिए कोई चीज़ दिक्कत आ गई है, तो आप उसे क्या डिलीट कर, मतलब आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप इसे क्या कहें, डिलीट डाटा नॉन प्लान। अब यहाँ से आप डाटा डिलीट करेंगे इसका, तो ये देखें आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे और आप यहाँ से अपने फॉर्म को डिलीट कर देंगे, तो आपका फॉर्म परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे जो है एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है, आप एडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ज़्यादा दिक्कत है आपके फॉर्म में, है ना, तो तब आप डिलीट कर दीजिए और आप दोबारा से नया फॉर्म भर सकते हैं, तो आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये तो क्लियर होगा कि भाई करेक्शन नहीं कर सकते आप। अब आप चेक कर लीजिए आपने कोई डिटेल सही, मतलब गलत तो नहीं भरी, गलत भरी तो डिटेल आप चेक कर दो, डिलीट कर दो इसे, डिलीट करने के बाद दोबारा भर लो। ठीक है, अब यहाँ पर ये सवाल आपके मन में आ रहा है कि भाई एक बच्चा कितने फॉर्म भरेगा। सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूँगा कि आप कितने फॉर्म क्यों भरना चाहते हैं, एक फॉर्म से क्या आपका, आपको डाउट लग रहा है कि एडमिशन नहीं होगा। सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपने बच्चे का कौन सी क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं और आप कौन सी जगह रहते हैं, ताकि मैं आपको थोड़ा सा और गाइड करूं कि भाई आप कौन सी जगह से कौन से स्कूल में एडमिशन करा लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि स्कूल भी क्या है ना, मतलब स्कूलों का भी काफ़ी फ़र्क होता है। और कई बार क्या होता है कि हम आपको गाइड कर देंगे, भाई आपने 3-4 स्कूल बता दिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई इस स्कूल के बजाय आप इस स्कूल में अपना एडमिशन कर लीजिए। अब आपको जो है ज़्यादा फॉर्म भरने की ज़रूरत क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक ही स्कूल में फॉर्म भरने से आपका नाम आ जाएगा, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस स्कूल में आप फॉर्म भरना चाह रहे उसमें भर दीजिए। पहले साइकिल यानी कि फर्स्ट साइकिल में लगभग सभी का हो जाता है, मतलब जिस स्कूल में आप चाह रहे हो। दूसरे एंड तीसरे साइकिल की दिक्कत आती है अगर आप भरना चाहते हैं 2 या 3। ठीक है, ये इलीगल है, मतलब ये सही नहीं तरीका है। बट आप क्या करेंगे, आधार नंबर ना डालें, है ना। जब भी आप आधार नंबर डालेंगे तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ जाएगा और आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। लेकिन अगर आप बिना आधार कार्ड के फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन मैं आपको यही गाइड करूंगा कि भाई आप ज़्यादा फॉर्म बिल्कुल ना भरें, एक ही फॉर्म से आपका गुजारा हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। बस ये ज़रूर चेक कर लें कि स्कूल 12वीं तक होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, मतलब सारे स्ट्रीम उसमें होने चाहिए। वोकेशनल कौन कौन से हैं, वोकेशनल में क्या क्या कोर्स आपके उस स्कूल में करवाए जा रहे हैं, लैब वगैरह हैं या नहीं है, तो स्कूल की पूरी डिटेल आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ में आपको अपने व्हाट्सअप चैनल पर भी डाल दूंगा, जाइए उसे फॉलो कर लीजिए और अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।